दोस्तों आदाबर से मैं निस्मत खान हिंदवाइज से आपसे मुखातब हूँ। भाजपा सरकार CAA लागू करके और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार जैसे देशों के जो शरणार्थी हैं उनको अपने यहाँ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारतीय नागरिकता देने की बात कर रही है। वहीं 2015 से 2019 के बीच 6,76,000 भारतीय ऑफिशियली देश छोड़कर विदेशों में जाके बस गए हैं। ये ऑफिशियल हुआ है, हम नागरिकता दे रहे हैं, वो नागरिकता छोड़ के भाग रहे हैं। उन्होंने यहाँ की नागरिकता छोड़ दी भारत की और विदेशों की नागरिकता ले ली है। ये बात लोकसभा में गृह मंत्री जो है नित्यानंद राय, उन्होंने ये इसका एक खुलासा किया। वहीं जहाँ 6,76,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ी है, वहीं 1,24,99,395 नागरिक ऑलरेडी विदेशों में जाके बस चुके हैं। वहीं मार्च 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने 566 जो मुसलमानों को पिछले 5 सालों में भारत की नागरिकता देने की बात कही थी, जबकि ये कहा जा रहा है कि जो बाहर से मुसलमान आएंगे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी, उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। अफगानिस्तान भी उसमें शामिल है। इसके 3 महीने बाद खुद उन्हीं के गृह मंत्री, उनका बयान था और उसका उत्तर दे रहे थे, एक सवाल के प्रश्न का उत्तर देते हुए उनके, उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर नागरिकता देने का रिकॉर्ड नहीं है, जबकि कई बार CAA के बाद हो गया कि नागरिकता धर्म के आधार पर दी जाएगी। मुसलमान छोड़ के ईसाई, हिंदू, सिख, बौद्ध सबको नागरिकता दी जाएगी, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, धर्म के आधार पर। गृह मंत्रालय के ही अनुसार 2014 में श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान के 19,000 लोगों को नागरिकता दी गई है। वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद के द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार 2014 में 8,999 लोगों को नागरिकता दी गई 2014 में, मोदी सरकार आने के बाद, जिनमें 15,000 लोग बांग्लादेश से थे। इनके इनमें 14,864 LBA के हैं, यानी वो भूमि जो विवाद में थी बांग्लादेश और भारत के बंटवारे में, तो वो जब गई बांग्लादेश में तो यहाँ के लोगों को नागरिकता दी गई, और 2,935 पाकिस्तान के, 9,014 अफगानिस्तान के, 113 श्रीलंका के और 1 म्यांमार की व्यक्ति को राष्ट्रीयता दी गई है। यह देखने की बात ही है कि एक तब तो सरकारें कह रही है, मंत्री कह रहे हैं सदन में कि हम जात के हिसाब से, धर्म के हिसाब से कोई नागरिकता नहीं देंगे CAA में, वहीं ये कहा जा रहा है कि इन 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 धर्मों को के अलावा मुसलमान भारत की नागरिकता नहीं ले सकता है। और उसके लिए शर्तें भी हैं कि उत्पीड़न की और तमाम शर्तें हैं, जब वो शर्तें पूरी हो जाएंगी तभी नागरिकता मिल सकती है। ये दोहरी नीति है, इसी वजह से ना आज तक CAA लागू हो सका, नागरिकता मिल रही थी, मिल रही है, ये बताने का मकसद ये है। सन 2014 से नागरिकता मिल रही थी, मुसलमान भी आ रहे थे, हिंदू भी आ रहे थे, सिख भी आ रहे थे, सभी लोग आ रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने CAA की बहस में के दौरान भी माना था कि पिछले 5 सालों में 600 मुसलमानों को भारतीय नागरिकता दी गई है। जब वहाँ भारतीय नागरिकता दी जा सकती है तो फिर यहाँ क्यों नहीं दी जा सकती है। अब उसमें मना करने के बावजूद भी वहाँ नागरिकता दी जा रही, बताने का मकसद सिर्फ ये है। तो आप जो कुछ कहें, बात करें कानून की, या उसमें सत्यता होनी चाहिए, उसमें ऐसे नहीं कहीं कुछ चल रहा, कहीं कुछ चल रहा, कुछ आपने चला दिया। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।